हाँ जी, वेलकम टू कैरियर क्वेस्ट। जिवें कि तुहानूं पता, पटवारी दे लई आपां ने एक मैंसुरेशन की प्लेलिस्ट स्टार्ट की सीगी, ते उहदे विच काफ़ी कुछ आपां ने कवर कर लिया सीगा। लास्ट लैक्चर आपां ने कोन का स्टार्ट किया सीगा, वो कोन का पहला पार्ट सीगा, ते अज आपां कोन का दूजा पार्ट करन जा रहे हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो अगेन मैं दोबारा तो दस दिना, मैंसुरेशन 3D नूं मैंने 3 पार्ट से डिवाइड किया सीगा। ये हैगी नहीं कैटेगरी, ये स्टैंडर्ड, मैंने कुछ नहीं किया, पहले ही फिक्स हैगा। ठीक है, 3D 3 कैटेगरी डिवाइड होंदा, प्रिजम, दूजा पिरामिड, तीजा सफेयर। मोटा मोटा मैं फिर दस दिना, प्रिजम उस बॉडी कहते हैं जिसका बेस से जिसका टॉप की होवे सेम शेप का होवे। ठीक है, तो पिरामिड उस बॉडी कहते हैं जिस को सिर्फ बेस होवे टॉप ना होवे, हैविंग ओनली बेस बट नो टॉप, टॉप नहीं होएगा बेस होएगा, जिवें आंवला कोन। ठीक है, इजिप्ट वाला पिरामिड। ठीक है, बेस तो हैगा बट टॉप नहीं है, टॉप एक सिंगल पॉइंट हैगा। ठीक है, तीजी कैटेगरी सफेयर, जिद हैविंग नो बेस एंड नो टॉप, जिदा कोई बेस ना हो, कोई टॉप भी ना हो। क्लीयर, तो पिरामिड का स्टैंडर्ड फॉर्मूला मैंने दसिया कि पिरामिड के 3 स्टैंडर्ड फॉर्मूले थोड़े याद रखने है। वो 3 स्टैंडर्ड फॉर्मूले किड़े ने, कर्व्ड सरफेस एरिया की हैगा अपने को, हाफ पैरीमीटर ऑफ बेस इंटू स्लांट हाइट। जे मैं बेस का पैरीमीटर कट ला, ठीक है, तो हाफ ना मल्टीप्लाई करके स्लांट हाइट ना मल्टीप्लाई करना, तो वह की आ जाएगा अपने को, कर्व्ड सरफेस एरिया। देखो स्लांट हाइट की होंगी, मैं फिर दस दिना, स्लांट हाइट होंगी अपनी तिरछी हाइट। जिवें ए पिरामिड मैं ले लाँ, आ जी हाइट थोड़ा दिख रही है ना, ये की हैगी तिरछी हाइट, इसनों आप कहते हैं एल, स्लांट हाइट। ठीक है, ये जिन्नी भी साइड्स जा रही ने यह की हैगी है, स्लांट हाइट ने, तिरछी हाइट ने। ठीक है, हाइट की होएगी फिर टॉप पॉइंट तो लेके बिल्कुल सेंटर ते, टॉप पॉइंट तो लेके बेस दे बिल्कुल सेंटर ते। जे मैं एक लाइन ड्रॉ करा तो वह की होएगी, उस पिरामिड की हाइट होएगी टॉप पॉइंट तो लेके बेस दे बिल्कुल सेंटर ते। ठीक है, वो होएगी हाइट। तो कर्व्ड सरफेस एरिया आ जाएगा अपने को, हाफ पैरीमीटर ऑफ बेस इंटू स्लांट हाइट। ठीक है, एक कर्व्ड सरफेस एरिया हैगा, तुम किसी भी पिरामिड फिगर च लगा देना, तो आंसर आ जाएगा। दूसरा आएगा टोटल सरफेस एरिया, विच इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस। कर्व्ड सरफेस एरिया आले दुआले का एरिया, तो बेस जिस शेप का हैगा उसका एरिया, क्योंकि टॉप तो अपने को हैगा नहीं, तो आप टॉप का एरिया इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक है, वॉल्यूम की आ जाएगा 1/3 एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, 1/3 बेस का एरिया गुना हाइट। ठीक है, आप हूँ डायरेक्ट क्वेश्चन से स्ट्राइक करते हैं, क्योंकि पहला पार्ट आप डिस्कस कर चुके हैं, तुम पहला पार्ट देख लेना। इट कम्स अंडर पिरामिड कैटेगरी हैज कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया की हो जाएगा पाई आर एल। ठीक है, पहले पार्ट से मैं दस चुके हैं, वो तुम पहला देख लेना। ठीक है, ये दूजा पार्ट हैगा, तो आप हूँ डायरेक्ट चंगे चंगे क्वेश्चन ही करेंगे। टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। ठीक है, वॉल्यूम की आ जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो स्लांट हाइट का फॉर्मूला की हो जाएगा रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। क्यों? क्योंकि उरे एक 90 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, तो एक राइट एंगल ट्रैंगल बन जाएगी, जिस दे विच आ रेडियस आर, उरे 90 डिग्री एंगल, हाइट एच, ए स्लांट हाइट एल। पाइथागोरस थ्योरम लगावांगे तो अपने को लग जाएगा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर। तो एल की वैल्यू क्या आ जाएगी? रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर आ जाएगा। क्लीयर, ये अपने को वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, चलते हूँ सीधा क्वेश्चन से, स्ट्राइक करते हैं। इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ 2 कोन इज 2:3। देखो कोन दे, दो कोन ने अपने को उन्होंने वॉल्यूम की रेशियो दी हुई है 2:3, एंड रेशियो ऑफ देयर रेडियस ऑफ बेस इज 1:2। वॉल्यूम की रेशियो दी हुई है, रेडियस की रेशियो दी हुई है, कि पूछा दें द रेशियो ऑफ देयर हाइट्स। देखो मैं मान लिंदा पहला कोन हैगा V1 जिसका रेडियस है R1 ते जिसकी हाइट है H1। एक दूजा कोन हैगा जिसका वॉल्यूम हैगा V2, रेडियस है R2, हाइट है H2। वॉल्यूम की रेशो कितनी है? देखो वॉल्यूम 1 होएगा कि पाई R1 स्क्वायर इंटू H1। V2 कितना होएगा? पाई R2 स्क्वायर इंटू H2। ठीक है, वैल्यूज पुट कर दो। देखो V1/V2 कितना दिता होया? 2:3, यानी 2/3 दिता होया। वैल्यूज पुट कर देंगे, पाई R1 स्क्वायर इंटू H1 अपॉन पाई R2 स्क्वायर इंटू H2। ये रेशो दी हुई है 2/3। ठीक है, हूँ ध्यान ना देखना, पाई नाल पाई कट जाएगा। ये सुनो R1 कितना है? देखो R1 ते R2 दी रेशो ऑफ रेडियाई कितना दिता हुआ? R1 रेशो R2 कितना दिता हुआ आपां नूं? 1:2। इसका मतलब रेडियस 1 की वैल्यू 1 हैगी, रेडियस 2 की वैल्यू 2। उरे पुट कर दो, R1 की वैल्यू जो मैं 1 पुट करा, 1 का स्क्वायर इंटू H1, R2 की वैल्यू 2 पुट कर दो, 2 का स्क्वायर इंटू H2, ये 2/3 आ जाएगा। उरे हैगा 1, 1 का स्क्वायर 1 होएगा,
उरे कला एच वन आएगा, दो का स्क्वायर चार, ए चार ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, चार दूनी की हो जाएगा अठ, तो एच वन बटा एच टू कितना आ गया, अठ बटा तीन, यानी 8:3, ऑप्शन ए आ जाएगा। ध्यान नाल सॉल्व करना है, पुट्ठा ना कर देना, 3:8 ना कर देना, 8:3 आएगी। कदे कदे जल्दी जल्दी विच बच्चे गलत कर देंगे, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लो, आप नैक्सट क्वेश्चन से चलते हैं। चलो नैक्सट क्वेश्चन की कह रहा है अपना, द रेडियस ऑफ बेस एंड हाइट ऑफ राइट सर्कुलर कोन आर डबल्ड, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द कोन विल बी। देखो रेडियस ऑफ बेस तो एक राइट सर्कुलर कोन हैगा जिदा रेडियस ऑफ बेस तो हाइट नूं आपां ने की कहता, रेडियस ऑफ बेस एंड हाइट ऑफ कोन इज डबल्ड, रेडियस भी आपां ने की करता डबल, हाइट भी आपां ने की करता डबल करता, ठीक है। तो वॉल्यूम जिहड़ा हैगा वह की होएगा, वॉल्यूम दे विच की इफेक्ट पएगा, 8 times ऑफ प्रीवियस वॉल्यूम, 3 times ऑफ प्रीवियस वॉल्यूम, 3/√2 times ऑफ प्रीवियस वॉल्यूम, या 6 times ऑफ प्रीवियस वॉल्यूम, वॉल्यूम विच किन्ना का फर्क पएगा। तो यह आप चैक करते हैं, मान लो इनिशियल आप उरे इनिशियल लिख लेंगे, उरे फाइनल इनिशियल रेडियस जिहड़ा सीगा, मान लिया कि जिहड़ा इनिशियल रेडियस सीगा वह मेरे कोले सीगा आर, फाइनल रेडियस देखो आपने रेडियस नू की करता डबल लिखा हुआ ना, रेडियस ऑफ बेस एंड हाइट आर डबल, तो फाइनल रेडियस की आ जाएगा 2r, हाइट कितनी है मान लेते हैं इनिशियल हाइट आपां नूं नहीं दिता हुआ, आपां एच मान लेते हैं, ठीक है। हुण रेडियस नू डबल किया, हाइट नू भी तो डबल किया, लिखा हुआ क्वेश्चन से हाइट नू डबल किया, तो हाइट आ जाएगी 2h, ठीक है। इत्थे वॉल्यूम कितना होएगा, 1/3 πr²h, ठीक है। इत्थे वॉल्यूम कितना होएगा, 1/3 π, आर की जगह 2r रख दो, एच की जगह 2h रख दो, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे ने आप, 1/3 π, देखो 2r का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4r, पूरे 2h, ठीक है। हुण नंबरों नूं ना अलग कर लो, 4 × 2 कितना होंदा 8, तो वॉल्यूम की आ जाएगा 8, मैं बाहर कढ लैंदा, पूरे आ जाएगा 1/3 πr²h, ठीक है। हुण ध्यान नाल देखो पहला कितना सीगा वॉल्यूम, 1/3 πr²h, हुण वॉल्यूम कितना आ गया 8 × 1/3 πr²h, इसका मतलब की होया पहला जो भी वॉल्यूम सीगा अगला वॉल्यूम की आया 8 × 1/3 πr²h, इट मीनस जिहड़ा नवा वाला वॉल्यूम हैगा रेडियस नूं ते हाइट नूं डबल करन तो बाद वह की हो गया 8 times हो गया, 8 times ऑफ द प्रीवियस वॉल्यूम, पिछले वाले का 8 times हो गया, क्लीयर हुई गल, ईजी क्वेश्चन सीगा, जस्ट आपने वैल्यूज पुट करके नॉर्मल चैक किया कि किन्ना का फर्क पएगा। चलिए नैक्सट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन की है, देर आर टू कोन्स, दो कोन ने, द कर्व्ड सर्फिस एरिया ऑफ वन इज ट्वाइस दैट ऑफ अदर। देखो कर्व्ड सर्फिस एरिया की हैगा, दो कोन ने, एक कोन का कर्व्ड सर्फिस एरिया दूजे का डबल हैगा, ठीक है। मतलब कर्व्ड सर्फिस एरिया की रेशो 1:2 होएगी, इन्ना का याद रखना। द स्लांट हाइट ऑफ द लेटर इज ट्वाइस द डैट ऑफ फॉर्मर, जिहड़ा लेटर का मतलब की होंदा बाद वाला, फॉर्मर का मतलब होंदा पहला वाला, ठीक है। जिहड़े दो कोन ने उन्हां विच जिहड़े बाद वाला कोन हैगा, दूजा कोन हैगा, उसका जिहड़े स्लांट हाइट है पहले वाले की डबल हैगी है, ठीक है। सब तो पहला मान लो कर्व्ड सर्फिस एरिया, ठीक है, सी वन, कर्व्ड सर्फिस एरिया सी टू, ठीक है। इसकी रेडियस तुसी आर वन मान लो, इसकी रेडियस तुसी आर टू मान लो, इसकी स्लांट हाइट एल वन मान लो, इसकी स्लांट हाइट एल टू मान लो। देखो जिहड़ा पहला कर्व्ड सर्फेस एरिया हैगा वह की हैगा, द देयर आर टू कोन, द कर्व्ड सर्फेस एरिया ऑफ वन इज ट्वाइस दैट ऑफ अदर, ठीक है। कर्व्ड सर्फेस एरिया की रेशो कितनी है, 1:2, तो स्लांट हाइट की रेशो कितनी है, द स्लांट हाइट ऑफ द लेटर इज ट्वाइस दैट ऑफ, जिहड़ा दूजे वाला स्लांट हाइट है वह की हैगा डबल हैगा, ठीक है। लिखा ना द स्लांट हाइट ऑफ लेटर इज ट्वाइस दैट ऑफ फॉर्मर, ठीक है। जिहड़ा बाद वाला कोन हैगा, जिहड़ा दूजा कोन हैगा, उसके स्लांट हाइट की रेशो कितनी हैगी है, डबल हैगी, यानी एल टू बटा एल वन कितना आएगा, 2:1, या फिर तुसी इवें भी कह सकते हो एल वन बटा एल टू कितना आ जाएगा, 1:2 आ जाएगा। बाद वाले कोन की स्लांट हाइट की हैगी है, डबल हैगी है पहला वाले के नालों, ठीक है। तो कर्व्ड सर्फेस एरिया का फॉर्मूला क्या होंगे, पाई आर वन एल वन पाई आर टू एल टू इक्व टू 1/2। देखो पाई नाल पाई कट जाएगा,
यस आर वन बटा आर टू, एल वन बटा एल टू कितना, 1/2, उरे 1 आ जाएगा, उरे 2 आ जाएगा। एक सेकेंड, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ वन इज ट्वाइस द, अच्छा वन इज ट्वाइस द अदर, ठीक है, सी वन बटा सी टू 2:1 है, पहले वाले का कर्व की हैगा, वन इज ट्वाइस ऑफ अदर, 2:1 आएगा, ठीक है, इसका तो ध्यान रखना 2:1 आएगा, वन इज ट्वाइस ऑफ द अदर, दूजे का डबल हैगा, ठीक है, क्लियर। टू बटा टू बाय वन आ जाएगा, ठीक है, तो उरे रेडियस आर वन बटा आर टू क्या आएगा, टू ऊपर चल जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4/1, तो रेडियस दी रेशो कितनी आ गई, आर वन रेशो आर टू कितना आ गया, 4:1 आ जाएगा अपने को ले, विच इज ऑप्शन ए, क्लियर। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ वन इज ट्वाइस दैट ऑफ अदर, जेड़ा पहले वाला कर्व्ड सरफेस एरिया सीगा वो की सीगा डबल सीगा दूजे वाले का, पुट्ठा नहीं लेना, ठीक है, मैंने गलती नाल पुट्ठा ले लिया सीगा, ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया पहले का की हैगा दूजे वाले का डबल हैगा, ट्वाइस दैट ऑफ अदर, ठीक है, स्लांट हाइट ऑफ लेटर, दूजे लेटर का मतलब बाद वाला, फॉर्मर का मतलब पहले वाला, दूजे वाले का जो स्लांट हाइट है वो डबल हैगा पहले वाले का, यानी दूजे वाले थे पहले वाले की स्लांट हाइट की रेशो 2:1 आ जाएगी, इट मीनस एल वन बाय एल टू कितना आ जाएगा, 1:2, वैल्यूज पुट करके आपने रेडियस की रेशो कट ली, जिवें सब तो पहला क्वेश्चन जो आपने किया वॉल्यूम वाला यूज करके, सेम यही क्वेश्चन है, ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लो, आप नैक्सट क्वेश्चन से मूव करते हैं। बहुत 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 वधिया क्वेश्चन है, इनू सितारे लगा लो, ठीक है, चांद है कहने चांद भी लगा लेना, ठीक है, एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर इफ एच सी वी आर रिस्पेक्टिवली द हाइट कर्व सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम ऑफ कोन देन 3π vh³ - c² h² + 9v² देखो एच सी ते वी एच की हैगी हाइट सी की हैगा कर्व सरफेस एरिया वी की हैगा वॉल्यूम किसका कोन का तो थोड़ने इस चीज़ की वैल्यू दसनी हैगी है इस चीज़ की वैल्यू दसनी हैगी है कि होएगी ठीक है इस चीज़ की वैल्यू की होएगी तो सानू नहीं पता इस चीज़ की वैल्यू की आएगी बट चलो कोशिश करते हैं ट्राई करके शायद निकल जाए कुछ ध्यान ना समझना हुण देखो ना आपां नूं हाइट पता ना आपां नूं रेडियस पता आपां नूं कुछ भी नहीं पता तो तुसीं की करो हाइट नूं एक मान लो नहीं पता एक मान लेंदे ठीक है रेडियस नूं भी तुसीं एक मान लो ठीक है नहीं पता ना ठीक है तो स्लांट हाइट कितना आ जाएगा √ h² + r² 1+1 1 का स्क्वायर कितना होता 1+1 कितना आ जाएगा √2 तो स्लांट हाइट कितना आ गया √2 आ गया हुण मैनू एक गल दसो जे स्लांट हाइट √2 आ गया तो वॉल्यूम की हो जाएगा सब तो पहले तो वॉल्यूम कर लेंगे वॉल्यूम की हैगा v 1/3 πr² h देखो r की वैल्यू 1 h की वैल्यू 1 तो एक कितना आ जाएगा v की वैल्यू की आएगी π/3 v की वैल्यू की आ जाएगी कल्ला π/3 आ जाएगा क्योंकि उरे r की वैल्यू 1 हैगी h की वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर तो 1 तो 1 ही रहेगा ये π/3 हो जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया की हो जाएगा c की वैल्यू की आएगी πrl देखो उरे पाई है r की वैल्यू कितनी 1 l की वैल्यू कितनी √2 तो उरे हो जाएगा √2π सी की वैल्यू कितनी आ गई √2π देखो वॉल्यूम हूँ दोनों की वैल्यू की वॉल्यूम की जगह π/3 कर्व्ड सरफेस एरिया की जगह √2π उरे पुट कर देंगे ने 3π वॉल्यूम की जगह की रखना π/3 हाइट की वैल्यू कितनी है 1 का क्यूब माइनस c² मतलब ए का स्क्वायर √2π का स्क्वायर एच की वैल्यू कितनी 1 का स्क्वायर प्लस 9v की जगह π/3 ए का स्क्वायर ठीक है उरे आप सॉल्व कर लेंगे ने देखो हूँ ध्यान सॉल्व करना पहला नॉर्मल लिख दिता मैं 3π (π/3 देखो 1 का क्यूब तो 1 ही होएगा उरे कुछ नहीं आएगा √2 का स्क्वायर कितना होता 2 पाई का स्क्वायर की होएगा π² 1 की वैल्यू तो 1 ही होएगी कोई चक्कर नहीं 9 पाई का स्क्वायर करा π² 3 का स्क्वायर करा 9 ठीक है बस इन्ने हो गया हूँ ध्यान लिखना उरे 3 × 3 कट जाएगा उरे 9 × 9 कट गया उरे कला भी की बचेगा π × π π²
उरे की बचा टू पाई स्क्वायर माइनस का प्लस विच की आ गया पाई स्क्वायर। हुण तुसी बॉड मास लगाना पाई स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर की होएगा टू पाई स्क्वायर माइनस टू पाई स्क्वायर। टू पाई स्क्वायर माइनस टू पाई स्क्वायर कितना आएगा अंडा ऑमलेट बन जाएगा अपना। ठीक है तो आंसर की आएगा इस चीज़ का ऑप्शन डी आएगी। क्लीयर जस्ट इस तो ईजी तरीका अवेलेबल नहीं है मार्केट से आई एम सॉरी। ठीक है इस तो ईजी तरीका बस इको ही है जय माता दी कर दो किसी भी ऑप्शन पर अख बंद करके टिक कर दो माता जी ने साथ दिता तो सही होएगा अदरवाइज नहीं होएगा। ठीक है जस्ट रेडियस के हाइट की वैल्यू एक मान ली अपने वालों तो वॉल्यूम तो कर्व्ड सरफेस एरिया काट लिया उस तो बाद अपना आंसर आ गया। ठीक है स्क्रीनशॉट ले लो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन से फॉरवर्ड करते हैं। चलो फिफ्थ क्वेश्चन देखो बहुत वधिया क्वेश्चन है ये भी स्टार तो लगा ही लो। क्वेश्चन की है फाइव परसन लिविंग इन टेंट एक तंबू के अंदर पांच बंदे रह रहे हैं। टेंट की होंगे तंबू होंगे। ठीक है एक तंबू के अंदर पांच बंदे रह रहे हैं इफ ईच परसन रिक्वायर 16 मीटर स्क्वायर एक बंदे नूं रहने लिए कितना एरिया चाहिए 16 मीटर स्क्वायर। ठीक है ऑफ फ्लोर। ठीक है एंड 100 मीटर क्यूब स्पेस फॉर एयर। ठीक है एक बंदे नूं रहने लिए नीचे वाला कितना एरिया चाहिए 16 मीटर स्क्वायर तो कितनी वॉल्यूम चाहिए हैगी है 100 मीटर क्यूब। देखो मीटर क्यूब है ना इसका मतलब उस बंदे नूं सांस लेने वास्ते या सरवाइव करने वास्ते 100 मीटर क्यूब जिनी जगह चाहिए है आसपास। ठीक है मीटर क्यूब है मतलब वॉल्यूम उस टेंट के अंदर कुछ वॉल्यूम होएगा। ठीक है उस वॉल्यूम के 100 मीटर क्यूब एक बंदे नूं चाहिए हैगा वॉल्यूम। ठीक है तो जिहड़ा टेंट बिछा होया जिथे वो बैठे ने आराम कर रहे हैं। ठीक है तो एक बंदे नूं बैठन लई या आराम करन लई कितना एरिया चाहिए जमीन का 16 मीटर स्क्वायर तो वॉल्यूम कितना चाहिए 100 मीटर क्यूब। ओके अपन ने की पता करना द हाइट ऑफ कोन ऑफ स्मॉलेस्ट साइज टू अकोमोडेट दिस परसन वुड बी। ठीक है अपन ने की पता करना कोन की हाइट आ तंबू हैगा ये पांच बंदे रह रहे हैं एक दो तीन चार पंजवा और बैठा दो। ठीक है क्लीयर मान लो तंबू के अंदर पांच बंदे रह रहे हैं। ठीक है एक बंदे नूं कितना एरिया चाहिए 16 मीटर स्क्वायर। ठीक है एरिया मतलब जमीन का एरिया जमीन पर ही तो बैठन गए वो। ठीक है जमीन का एरिया यानी एरिया ऑफ बेस। देखो टेंट जिहड़ा हैगा वो कौन शेप का हैगा बंदा कितने बैठेगा जमीन पर बैठेगा जमीन किस शेप की हैगी है सर्कूलर शेप की कौन का बेस कैसा होंगे सर्कूलर शेप का। मैं एक गल दसो जे एक परसन नू 16 मीटर स्क्वायर एरिया चाहिए बैठने लिए या आराम करने लिए तो टोटल किन्ने बंदे ने पांच बंदे ने पांच बंदे नू कितना चाहिए होना एरिया 16 × 5 = 80 मीटर स्क्वायर या सुनो इसका मतलब मैं ये कह सकता पाई आर स्क्वायर। देखो जमीन कैसी हैगी है सर्कुलर जमीन हैगी है कौन कौन का बेस कैसा होंगे सर्कल सर्कल का एरिया की होंगे पाई आर स्क्वायर इट मीनस पाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 80 मीटर स्क्वायर ये डायरैक्ट आ गया। ठीक है हुण एक गल दसो मैनू एक परसन नू सरवाइव करन लई सांस लैन लई कितना वॉल्यूम चाहिए 100 मीटर क्यूब एक परसन नू 100 मीटर क्यूब चाहिए हैगा किन्ने बंदे ने पांच तो पांच बंदियां नू कितना एरिया कितना वॉल्यूम लगेगा 500 मीटर क्यूब यस और नो यस डेफिनेटली यस एक बंदे नू जे 100 मीटर क्यूब लगेगा तो पांच बंदे नू कितना लगेगा 500 मीटर क्यूब। वॉल्यूम का फॉर्मूला की होंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच वॉल्यूम कितनी है 500 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी हाइट एच पता कर लेंगे उरे कितना आ गया 500 × 3/80 जीरो नाल जीरो कट गया 5 × 3 = 15 150/8 150/8 कितना होएगा 75 से कट दो 75 दो ते कटता 75/4। ठीक है यह आ जाएगा 16 × 18 = 72। ठीक है 18.75 आ जाएगा 18.75 मीटर ऑप्शन बी आ जाएगा। क्लियर ठीक है जस्ट अपन ने टोटल पहला एरिया काट लिया उस तो बाद टोटल वॉल्यूम काट लिया ए एरिया पाई आर स्क्वायर सीगा उसकी वैल्यू 80 आ गई वॉल्यूम 500 आ गया हाइट काट लिया कैलकुलेट करके। ठीक है ज़्यादा टफ नहीं है बस बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझ आनी चाहिए सी कि क्वेश्चन की कह रहा हैगा तो की पूछा हैगा की गिवन हैगा। ठीक है अगेन स्क्रीनशॉट ले लो उनसे चलते हैं। बहुत वधिया क्वेश्चन है ना एक सेकंड बेस ऑफ राइट पिरामिड इन्ना वधिया क्वेश्चन नहीं है अगला क्वेश्चन वधिया होएगा। ठीक है द बेस ऑफ राइट पिरामिड थोड़े को एक पिरामिड हैगा उसका बेस कैसा हैगा स्क्वायर शेप का। ठीक है स्क्वायर की साइड कितनी है 16 मीटर। ठीक है स्टार्टिंग में आओ
आ देखो ये की हैगा, ये अपने को पिरामिड हैगा, क्लीयर। जो मैं गल करा ठीक है, ये स्क्वायर शेप का पिरामिड हैगा, इसका बेस कैसा हैगा, स्क्वायर शेप का। ठीक है, द बेस ऑफ अ राइट पिरामिड इज स्क्वायर, इस द बेस कैसा हैगा, स्क्वायर शेप का बेस हैगा। एक पिरामिड है जिसका बेस स्क्वायर शेप का है, साइड कितनी है 16, इसका मतलब की होया, ध्यान गौर करना, ए चीज कितनी है 16, साइड कितनी है 16, आ भी कितना होएगा 16, साइड 16 16 16 16 हैगी है। ठीक है, इफ द हाइट भी 15, हाइट कितनी है 15, इसका मतलब ए हाइट की होंगी है, टॉप पॉइंट तो बेस दे उत्ते ड्रॉ करने वाली जिहड़ी लेंथ नू लेंथ आंदी है उसनू आपां की कहिंदे ने हाइट। ठीक है, हाइट कितनी है 15, इट मीनस हाइट आ गई अपने कोले 15, ध्यान नाल समझना, हाइट आ गई 15, क्लीयर। दैन द एरिया ऑफ लेटरल सर्फेस, देखो लेटरल सर्फेस की हुंदा हैगा अपने कोले, ध्यान नाल समझो, पहला पूछिया की हैगा एरिया ऑफ लेटरल सर्फेस, लेटरल सर्फेस बोले तो कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला की लिखवाया सीगा, हाफ पैरीमीटर ऑफ बेस, पैरीमीटर ऑफ बेस इनटू स्लांट हाइट, यस और नो, एब्सोल्युटली यस, हाफ। देखो बेस कैसा हैगा इसका, स्क्वायर शेप का, स्क्वायर का पैरीमीटर की होंगे 4a, साइड कितनी है 16 16 16 16 16 16, तो बेस पैरीमीटर ऑफ बेस कितना आएगा 64। मसला की हैगा स्लांट हाइट किमें कढ़ीए, हाइट दिती हुई है 15, स्लांट हाइट नहीं दिती, ध्यान ना समझना, हुन गौर करना, स्लांट हाइट का फॉर्मूला की होंगे, रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यस और नो, अपने को इकलौता फॉर्मूला है स्लांट हाइट का। आर की होंगे रेडियस, हुन बेस तो यह स्क्वायर शेप च है, रेडियस किमें आ जाएगा, आएगा ध्यान नाल, जे मैं एक ऐसा सर्कल बनावा जिहड़ा सारे पासे इसनू टच करके जा रहा है, जे मैं एक ऐसा सर्कल बनावा जिहड़ा इसनू चारों पासों तो टच करके जा रहा है। ठीक है, इमेजिन करना चारों पास चारों साइडां नू टच करके जा रहा है, सर्कल बन जाएगा। ठीक है, हुण अगेन गौर नाल देखना, आ चीज़ 16 दिती है एक कोने तो लेके एक कोने तक, आ डायामीटर कितना, आ पूरी एक साइड कितनी है 16। ठीक है, इस सर्कल नू टच करके जा रहा तो यह पूरी 16 हैगी है, तो रेडियस कितना हो जाएगा, जे पूरी पूरी लेंथ 16 हैगी है तो रेडियस कितना हो जाएगा 8, रेडियस 8 आ गया, हाइट कितनी है 15, जे रेडियस 8 है हाइट 15 है, स्लांट हाइट कितनी आएगी 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, 8 15 का ट्रिपलेट की होंगे पूरे 64 लगा लो 225, रूट 269 कितना आ जाएगा 17, तो स्लांट हाइट अपने को आ गई 17, पूरे 17 रख दो 32 × 17 544, क्लीयर, 32 × 17 ना मल्टीप्लाई करोगे 500, 544 आ जाएगा, क्लीयर। ठीक है, बस कुछ नहीं सीगा, इस बेस आपां नूं दूसरा स्क्वायर शेप दा दिता सीगा, तां इस विच ना थानू जस्ट इमेजिन फॉर्मूला उही लगेगा, हाफ पैरीमीटर ऑफ बेस इंटू स्लांट हाइट, फॉर्मूला चेंज नहीं होएगा क्योंकि वो स्टैंडर्ड फॉर्मूला लिखवाया मैंने, जो भी लिखवाया। ठीक है, बस थानू इमेजिन करना हैगा कि बेस दे विच आपां सर्कल किमें बनाइए कि उसका रेडियस 8 आ जाए। ठीक है, ये 16 दिता हुआ सीगा, सर्कल टच करके जा रहा सीगा, तो रेडियस कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, हाइट 15 ऑलरेडी दी हुई है, तो स्लांट हाइट के फॉर्मूले में पुट करके अपने स्लांट हाइट काढ ली, तो कर्व्ड सर्फेस एरिया में पुट करके अपना आंसर आ गया, क्लीयर। स्क्रीनशॉट ले लो, आप नैक्सट क्वेश्चन से मूव करते हैं, फिर चलिए, बहुत वधिया क्वेश्चन है ये, तो इस तो अगला क्वेश्चन बहुत वधिया ने, यूनीक क्वेश्चन है, जे एग्जाम विच आ गए मेरी गरंटी है
जे किसी ने पहला नहीं पढ़िया होना तो शायद ही इसनों सॉल्व कर पाए। ठीक है, क्वेश्चन की हैगा अ राइट एंगल ट्रैंगल विद साइड 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। मेरे को एक राइट एंगल ट्रैंगल है, जिसकी साइड 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर है। इज रोटेटिड अबाउट द साइड 3 सेंटीमीटर टू फॉर्म अ कोन, द वॉल्यूम ऑफ कोन फॉर्म्ड। देखो एक राइट एंगल ट्रैंगल है, ठीक है, मैं लेके भी आया ट्रैंगल, ठीक है, एक राइट एंगल ट्रैंगल है, ठीक है, आ 3 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है, आ 5 सेंटीमीटर है। इसनों की किता इज रोटेटेड, हूँ इसनों ना रोटेट करना है, रोटेट करना है इसनों, ठीक है, किस दे अलोंग रोटेट करना है 3 सेंटीमीटर, जेडी 3 सेंटीमीटर साइड हैगी ना, आ देखो आ जेडी 3 सेंटीमीटर है, इस दे अलोंग रोटेट करना, इस दे अलोंग रोटेट करने का मतलब इवें इवें रोटेट कर रहे हैं आप, ठीक है, तीन ऊपर ही रखना है, तीन वाले नू इमेजिन करना, ठीक है, जे तुसी इन्ना इमेजिन नहीं कर सकते तो औखा है, ठीक है, करके देखना हो जाएगा। 3 सेंटीमीटर इस दे अलोंग रोटेट करना है, 3 सेंटीमीटर इस दे अलोंग रोटेट करना, इवें रोटेट करना है। तो जो ये 2D ये फिगर कड़ी है, आ ट्रेंगल है, आ कड़ी फिगर है कि 2D, ठीक है, आ 2D फिगर है, क्लीयर, आ 2D फिगर नू जे मैं इवें पकड़ के इवें रोटेट करन दा, जे इवें रोटेट करन लग जा, ठीक है, तो यह की बन जाएगा, एक 3D फिगर बन जाएगा, कोन बन जाएगा, ठीक है, तो यह अपना की बन जाएगा, एक कोन बन जाएगा, ठीक है। जे मैं इसनों इधर रख के इवें रोटेट करना स्टार्ट करदा तो यह की बन जाएगा, एक कोन बन जाएगा, ठीक है, इवें रखा रोटेट करना शुरू करता, तीन दे अलोंग रोटेट किया है, ठीक है, तो कोन बन जाएगा, कोन विच हाइट कितनी आएगी, देखो आप रोटेट किस साइड दे अलोंग कर रहे हैं, 3 सेंटीमीटर दे अलोंग कर रहे हैं, जे मैं रोटेट 4 सेंटीमीटर साइड दे 4 दे अलोंग रोटेट करता, ठीक है, तो कोन की हाइट कितनी आती, 4, हूँ मैं किस दे अलोंग रोटेट कर रहा हैं, 3 दे अलोंग रोटेट कर रहा हैं, तो मैं 3 दे अलोंग रोटेट करा तो ये हाइट कितनी आ जाएगी, 3 सेंटीमीटर, तो रेडियस की होएगा 4 सेंटीमीटर, क्योंकि आ ओरिजिन पॉइंट आ सेंटर पॉइंट मान लो उ ही रेडियस बनेगा, ठीक है, तो रेडियस कितनी आ गई, 4, रेडियस 4, तो आ जी हाइपोटेनियस है वह की हो जाएगी, स्लांट हाइट, ठीक है, तो इस तरीके नाल बनेगा ये, क्लियर, तो रेडियस आ गई अपने को 4, हाइट आ गई 3, स्लांट हाइट आ गया 5। हूँ अपने तो जो मर्जी पूछ ले, पूछा की हैगा वॉल्यूम, वॉल्यूम की होंगे कौन का, 1/3 πr² h, 1/3 πr² कितना आएगा, 4 का स्क्वायर, हाइट कितनी है 3, ठीक है, 1/3 π, 4 का स्क्वायर 16, 3, 3 नाल 3 कट गया, अपना आंसर की आया 16 π, 16 π सेंटीमीटर क्यूब, विच इज़ ऑप्शन सी, क्लीयर, ठीक है, आई होप सो कोई डाउट नहीं रहा होना, तुसी इस दा स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आप नैक्सट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। चलिए हूँ अगला क्वेश्चन भी यूनीक हैगा, ठीक है, इस दे नाल दे क्वेश्चन तुसी आप प्रैक्टिस करना, ये थोड़ी जिम्मेदारी बनती है, कंसैप्ट दसना मेरा काम है, प्रैक्टिस करना थोड़ा काम है, ठीक है, हूँ प्रैक्टिस भी मैं थोड़ा करवाऊँगा, क्लीयर, ठीक है। तो क्वेश्चन की है अ सैमी सर्कुलर पीस ऑफ पेपर, थोड़े को एक पेपर का पीस सीगा, केड़ा शेप का है, सैमी सर्कुलर शेप का, ऑफ रेडियस 14, रेडियस कितनी है 14, ठीक है, इज रोल्ड टू फॉर्म अ कोन ऑफ लार्जेस्ट पॉसिबल साइज, इसनों रोल करके ना अपने कोन बनाया, मतलब साढ़े को ना एक सैमी सर्कुलर, अगेन मेरे को सैमी सर्कुलर पीस ऑफ पेपर भी है, ठीक है, इसनों ना किसी भी तरह ना रोल करके मैंने एक कोन बनाया, इसनों जिवें मर्जी रोल करो तो कोन बनाओ, ठीक है, कोन बनेगा ये, ठीक है, मैं बना के भी दिखाऊंगा किवें रोल करके बनेगा कोन, कोन बन गया, अपने की पता करना है, फाइंड द कपैसिटी ऑफ कोन, उस कोन की कपैसिटी पता करनी है, इनडायरैक्टली साढ़े तो की पूछा हैगा वॉल्यूम, उस कोन का वॉल्यूम दसना हैगा किन्ना का आएगा, ठीक है, तो हुण देखो ये सैमी सर्कुलर है, रेडियस किन्ना 14, ठीक है, जे मैं इसनों इवें रोल करा, ध्यान नाल देखना इवें रोल करता, इवें ले गया इधर और इवें ले इसनों इधरों चकता, एक सैकेंड इवें ज्वाइन करवाता,
कौन बन गया, यस और नो? ठीक है, दिख रहा हो ना? आई होप सो, बन जाओ ए। कौन बन गया? आइसक्रीम। ठीक है, हुण ध्यान नाल देखना, आ जदों कौन बनिया, टिक जा यार, कौन बन गया? की सीगा वैसे ये जेड़ा सीगा, जो मैं सर इसनों अनफोल्ड करा, आवली चीज़ की हैगी है रेडियस, जे मैं इवें इसनों फोल्ड करा तो जेड़ा रेडियस है वो कोण का की बन जाता है। हुण ध्यान नाल देखो, आ कोण बन गया, बन जाओ ए। जेड़ा रेडियस सीगा सैमी सर्कल का वह कोण का की बन गया, वह स्लांट हाइट नहीं बन गई, यस और नो? यस, जिहड़ी रेडियस सीगी सलांट हाइट की, सॉरी सैमी सर्कल की, वह कोण की बन गई, सलांट हाइट। इसका मतलब सलांट हाइट कितनी आ गई, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, हुण जिहड़ा सैमी सर्कल का उपर वाला पोर्शन है, आज वाला पोर्शन, कोण का बेस की बन गया, कोण का बेस की है, सर्कुलर। आ देखो, आ कोण का बेस है, आ की है, कोण का बेस, बेस जिहड़ा आ वाला बेस है कोण का, वह की है, यही सर्कुलर शेप का है। ठीक है, जे मैं इसको अनफोल्ड करा तो यह देखो, ध्यान ना दे, हुण ध्यान ना देखो, मैं दोबारा फोल्ड नहीं करूँगा, यह की है बेस। ठीक है, बेस किस शेप का है, सर्कुलर शेप का, तो इसका पैरीमीटर कितना होएगा, 2πr। जे इसकी रेडियस मैं आर मान ला, तो यह सर्कल का पैरीमीटर कितना होएगा, 2πr। ये 2πr किस दे इक्वल होएगा, सैमी सर्कल के पैरीमीटर के, इस दे बराबर होएगा, क्योंकि इवें ही तो फोल्ड किया। आ देखो, इसको बनाया तो कौन का बेस बन गया, जे इसको अनफोल्ड किया, यह सैमी सर्कल का उपर वाला पार्ट बन गया। इट मीनस मैं एक गल दसो, सैमी सर्कल का उपर वाला ए वाला पार्ट कितना होएगा, इस पार्ट की लेंथ कितनी होएगी, तो इस पार्ट की लेंथ का मैंने फॉर्मूला लिखवाया सीगा, सैमी सर्कल की वीडियो जाके देख लेना, इस पार्ट की लेंथ होंगी है पाई इंटू आर, पाई की वैल्यू 2/7, रेडियस 14, दो ते कट जाएगा, इस पार्ट की लेंथ आ जाएगी 44 सेंटीमीटर। जे इस ब्लू वाले पार्ट की लेंथ, आवले पार्ट की लेंथ 44 हैगी है, तो मैं ये कह सकता जिहड़ा कोण का बेस होएगा, जिहड़ा कोण का बेस बनेगा, उसका जिहड़ा बेस का पैरीमीटर होंगे 2πr। कोण दे बेस, कोण का बेस कैसा हैगा, सर्कुलर, तो इसका फॉर्मूला सर्कल का पैरीमीटर की होंगे 2πr, तो पैरीमीटर ऑफ बेस ऑफ कोण, कोण दे बेस का पैरीमीटर की होएगा, 2πr। ए वाला रेडियस जिहड़ा हैगा मैं कोण का ले रहा, ओ वाला रेडियस मैं उस सर्कल का लेता सीगा, कन्फ्यूज ना होना। ए पूरा किन्ना आ गया, ए पूरी लेंथ किन्नी आई, 44, तो ए किस दे इक्वल आ जाएगा, 44 दे। इत्थों आपां की करांगे, कोण का रेडियस पता कर लेंगे, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस आर 14। ठीक है, 44, तो कुछ गलत लग रहा, 44। ठीक है, आर की वैल्यू की आ जाएगी, 44 × 7/2 × 22 / 2 44 कट देगा, रेडियस कितना आ गया, 7। तो कोण का रेडियस कितना आ गया, 7। जे कोण की स्लांट हाइट 14 हैगी, रेडियस 7 है, तो फॉर्मूला लगा दो, L² = R² + H² हाइट नहीं पता ना, L² कितना, 14² = 7² + H² 14 196 7² 49 होंगे, इधर जाके 49 माइनस हो जाएगा, H² की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 147। H की वैल्यू आ जाएगी 147 द रूट, देखो 147 कितना होंगे, 49 × 3, 147 की होंगे, 49 × 3, तो 49 का रूट कितना होंगे, 7, तो √3 का, तो √3 रहेगा, तो कोण की हाइट कितनी आ गई, 7√3 सेंटीमीटर। कोण की हाइट कितनी आ गई, 7√3 सेंटीमीटर आ गई। हुण पूछा कि कोण की कपैसिटी, वॉल्यूम की आ जाएगा, मैं इनू रब करन जा रहा, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं उधर वाला पोर्शन रब करन जा रहा, ठीक है, कोण की हाइट आ गई अपने को, सॉरी वॉल्यूम आ गया 1/3πr²h, 1/3π की वैल्यू 2/7 × r² कितना आ जाएगा,
7 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਹਾਈਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 7√3 ਸੌਰੀ 49 ਠੀਕ ਹੈ ਦੇਖੋ 22 ਬਟਾ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਨਸਰ ਨੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ 1/3 ਇਵੇਂ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ 22/7 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 3.14 ਪਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 3.14 49 ਇਵੇਂ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ 7 √3 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 1.73 ਇਹ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਰੂਟ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 1.73 ਰਫਲੀ √2 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 1.41 ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਡੀ ਆ ਜਾਏਗਾ 622.37 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਕਿਉਬ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ 'ਤੇ ਆਨਸਰ ਡੀ ਹੀ ਆਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਲੀਅਰ ਆਈ ਹੋਪ ਸੋ ਹੁਣ ਕੋਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਮੈਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਦੇ ਕੁਸ਼ਚਨ ਕਰਵਾ ਤੇ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਆਏ ਰੇਸ਼ੋ ਦਾ ਆਏ ਤਾਂ ਰੇਸ਼ੋ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਏਰੀਆ ਡਬਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਵੋਲਿਊਮ ਹਾਫ ਹੋ ਜਾਵੇ ਰੇਡੀਅਸ ਡਬਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਹਾਈਟ ਹਾਫ ਹੋ ਜਾਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਟ੍ਰੈਂਗਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਟੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸੈਮੀ ਸਰਕਲ ਨੂੰ ਕੋਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕੋਨ ਦੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਕੁਸ਼ਚਨ ਕਰ ਲਏ ਸਾਰੇ ਕਨਸੈਪਟ ਮੈਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈਗੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਪਿਰਾਮਿਡ ਪੂਰੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰੱਖੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਸਫੇਅਰ ਨਾਲ ਮਿਲਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਆਈ ਹੋਪ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕਲਾਸ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ